ग्रेट इंडियन थार डेजर्ट लगभग 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला रेगिस्तान, जहां दूर दूर तक नहीं मिलता किसी भी चीज का नामो निशान। उत्तरी रेगिस्तान में रैम वॉक, ये क्या माजरा है भैया? इस राज से पर्दा उठाने हम आए हैं बाड़मेर, राजस्थान। छोटे से गांव की एक ऐसी ओएमजी एंटरप्रेनर से मिलने, जिनकी बड़ी सोच ने राजस्थान की ट्रेडिशनल कारीगरी को पहुंचाया ग्लोबल स्टेज तक। चाहे राजस्थान का हेरिटेज वीक हो या जर्मनी का हाइम टेक्सटाइल फेयर, इन्होंने अपने माइंड ब्लोइंग कलेक्शन से जीता सबका दिल। ये है हमारी थार फैशन क्वीन रूमा देवी। जो ये क्राफ्ट का काम है, ये हर घर में होता था, तो मेरी दादी भी घर में ये काम करती थी। मैं दादी के साथ में बैठ के बचपन में यही काम सीखा था मैंने। नन्ही सी उम्र में दादी माँ से जो हुनर मिला, उसे आज रूमा जी ओएमजी लेवल तक ले आई हैं। यही नहीं, सिर्फ 8वीं पास रूमा जी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में राजस्थान के ट्रेडिशनल आर्ट वर्क पर लेक्चर भी दे चुकी हैं। ओएमजी। लेकिन दोस्तों, रूमा जी को इस कामयाबी तक पहुंचने का हौसला दिया एक दर्दनाक हादसे ने। शादी के बाद आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, जैसे तैसे करके घर चल रहा था। और जब मेरा फर्स्ट बेबी हुआ तो उसको सांस में प्रॉब्लम थी, अच्छी मेडिसिन की जरूरत थी, ऐसे हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत थी, लेकिन वो हम नहीं लेके जा पाए, उसको नहीं बचा पाए। इस हादसे से सीख लेकर रूमा जी ने अपनी आर्थिक स्थिति ठीक करने की ठानी और जरिया बनाया अपनी दादी से सीखी कारीगरी को। और ना सिर्फ अपनी बल्कि अपने गांव की बाकी औरतों की जिंदगी को भी दिया यू टर्न। लेकिन ऐसा करने में उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यहाँ पे पूरा राजस्थान डेजर्ट एरिया है, यहाँ पे लगभग 50+ डिग्री टेम्परेचर रहता है। ऐसी धूप में हम उनके घर पहुँचते, फिर उनके घर वालों को समझा के कुछ बहनों को साथ में जोड़ते। और फाइनली रूमा जी को 10 औरतों का साथ मिला, जिनसे 100-100 रुपया इकट्ठा करके काम शुरू हो गया। ऑर्डर्स मिलने लगे और काम चल पड़ा। लेकिन भैया, रूमा जी सच्ची ओएमजी हीरो हैं, इतने में कहां रुकने वाली थी। इनका इरादा था फैशन इंडस्ट्री के होश उड़ाने का। राजस्थान हेरिटेज वीक हो रहा था जयपुर में, तो वहां जाके हमने रिक्वेस्ट किया कि हमें फैशन शो करना है। तो उन्होंने बोला कि रूमा जी, आप कैसे फैशन शो कर पाओगे, यहाँ पे तो बड़े डिजाइनर्स लोग, एबॉडी लोग वो आ रहे हैं। तो वहाँ पे हमने जिद किया, नहीं हमें एक बार आप मौका दीजिए, हमें फैशन शो करना है। फिर 4 महीने की कड़ी मेहनत और हजारों ट्रायल्स के बाद जब रूमा जी के डिजाइन तैयार हुए, तो रैम पर सिर्फ मॉडल्स ही नहीं, इनके आर्टिसंस ने भी वॉक किया है बेड़ो। हमारी थार फैशन क्वीन ने गांव की 10 औरतों से जो कारवां शुरू किया था, उससे आज करीब 30,000 से भी ज्यादा औरतें जुड़ चुकी हैं। राजस्थान के हैंडक्राफ्टेड डिजाइन से ग्लोबल फैशन में धूम मचाने वाली रूमा देवी को नारी शक्ति अवार्ड और डिजाइनर ऑफ द ईयर जैसे कई प्रेस्टीजियस अवार्ड से सम्मानित किया गया। रूमा जी ने ना सिर्फ राजस्थान के ट्रेडिशनल डिजाइन्स को दुनिया भर में मशहूर किया, बल्कि बाड़मेर की हजारों औरतों को काम देकर उनकी जिंदगी बदल दी। थार फैशन क्वीन रूमा देवी के माइंड ब्लोइंग एफर्ट्स को ओएमजी ये मेरा इंडिया सैल्यूट करता है। दोस्तों, अगर रूमा जी को 10 औरतों का साथ और उनसे 100-100 रुपए की इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं मिली होती, तो उनका ओएमजी सफर जो आज हम सबको इंस्पायर कर रहा है, शायद शुरू ही नहीं हो पाता। लाइफ में ना लोन की जरूरत कभी भी किसी को भी पड़ सकती है, तो paisabazaar.com का ऐप हैंडी रखिए और अपना क्रेडिट स्कोर चेक करते रहिए, क्योंकि लोन मिलेगा या नहीं ये आपके क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है।
और क्रेडिट स्कोर चेक आदत अच्छी है।